अभी हम उतर आए हैं नीचे अरे और यार मेरी हम आंखों में ये दिख रहा जाएंगे है आइजोल के मार्केट में, और एक हमें यहाँ बिल्ली दिखी है। आ जाओ, आओ माओ, दो बिल्ली है, दो दो है, हाँ दूसरी वो का एक आ रही है, है, ये देखो ये जिंजर की। ओ ब्राउन और ब्लैक, माओ आओ आओ मार्केट ले चले, डर गई। चलो तो अभी हम यहाँ से बाहर से चले या अंदर से ही चले। ये आ गया है ऑफिसर मेस का हॉल एरिया, जहाँ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, पार्टीज वगैरह होती हैं। और ये डीजी का फोटो है, और बड़ा अच्छा मौसम है। ये देखिए, आ जा शिवम, कहाँ से चला गया? वो उधर से आ गया शायद, देखती हूँ कहाँ से निकला शिवम। और ये फोटो लगा रखी है एक बना के बड़ी, ये गमले हैं बड़े। ओहो, गमले में तो भीड़ गई। आ रहे हैं यार। आ गई, हाँ जी, बताइए जी। तो अभी हम निकलने वाले हैं आइजोल की मार्केट के लिए। यस, हम बाईजो आइजोल के बाजार जाएंगे, आइजोल सिटी का लुत्फ उठाएंगे, इनको घूमेंगे, देखेंगे अच्छा इनकी कल्चर कैसी है, हाँ, अभी तो हम फर्स्ट बार आए हैं तो हमें पता नहीं है क्या क्या यहाँ एग्रीकल्चर मिलेगा। कैसी है, कल्चर कैसी है, कैसे रहते हैं। और ये पता नहीं लेकिन किस चीज़ का पेड़ है, देखो फूल है, पता नहीं फूल है ना छोटे छोटे, इसके भी और इसके भी। हाँ, और शिवम झूला ले रहा है, बांस का झूला, यहाँ बांस बहुत ज्यादा होता है, जगह जगह बांस ही बांस खड़ा है, और गमलों की तो बांस तो ये अभी खूबसूरती कहीं देखते ही बताएंगे ना बनती अपन। है। चलो, चलो हाँ जी, चलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, आज एक बैग भूला है तो उसकी थोड़ी सी चिंता है ना शिवम। अब तो चिंता खत्म हो गई है। एयरपोर्ट पे जो हमारा जरूरी बैग था खाने पीने का, वो हाँ, इस पापा की वजह से ना भूला है। हाँ ये है ना, ये अपनी ये दूसरों पे डाल देते हैं, मैं जिम्मेवारी, वॉशरूम गई और ये सीधा अपनी उसमें जिम्मेवारी। एरोप्लेन में बैठने के लिए हाँ चले गए। नहीं कर, हाँ लेट हो गए लेट हो गए। अब बता शिवम गलती हाँ किसकी है, मैं शिवम को बता के गई दोनों हूँ, की गलती है। मेरी आपने नहीं अपना बैग पकड़ा दिया, पापा को लगा गलती। टेम्परेरी, बस जब तक हम और सिक्योरिटी क्या, चेक इन कर रहे हैं उसके लिए, ऐसे थोड़ी, और ऐसे आपने थोड़ी सोचा कि आपने होता तो है, पूरा हमने तो उसके लिए कर परमानेंट दे दिया। दिया था भैया, जिम्मेवारी इसकी तो तेरी जिम्मेवारी है, थी जो सवारी हमें लेके आती है, ना, जो इंजन हमें लेके आता है, तो उसके उसी कोई उसी की जिम्मेवारी होती है भाई, उसी की जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है डब्बों को घसीटना, ना, गलत इंजन बात है ये तो। कितना घसीटेंगे। कितना सब, जब यहाँ तक लाए हैं घसीटने के लिए, हम चलेंगे मिजोरम। और उसके बाद में जो आइजोल व्यू है ना, एक हाँ जगह में पूरा आइजोल बस वो व्यू वो दिखा देख दो, सकता है, वो देख लेंगे सर। ठीक है। आंधी भी तेज हो गई, हवाएं तेज हो जाती है शायद शाम को, देखो। वो तो हिल में हर जगह ही है, दोपहर को आफ्टरनून दोपहर में बाद हम उतर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके। तो मार्केट किस टाइम तक खुली रहती है? मार्केट खुला बंद होगा 6:30-7 बजे पूरा मार्केट बंद हो हाँ बंद जाता हो है? जाता है, अच्छा क्योंकि इधर मैं शाम को चर्च में जाता है ना, मतलब अच्छा लोग हाँ लोग जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में सब्जी मार्केट 6 बजे 5-6 बजे से खोलते हैं, अच्छा, जैसे क्लोरिंग वगैरह जो शॉपिंग होता है, जैसे रोजमर्रा की जो शॉपिंग होती है डेली जैसा यूज की, बृंदित बोला, ये दुकान है 9-10 बजे खोलते हैं। लोकल दुकानें जल्दी खुल जाती है, हाँ ब्रांडेड बाद में खुलती हाँ है। वो बृंदित बोला है 9-10 बजे खोलते हैं, 9 बजे के बाद ही खोलते हैं। मिजोरम की गलियां देख लो, ये कौन सा जगह थी, ये वो ये दुर्तलांगी है, दुर्तलांग है, दुर्तलांगी। दुर्तलांग। और आइजोल में सबसे बढ़िया क्लाइमेट यहाँ का ही है, ये दुर्तलांग लोकेशन का है ना, अच्छा, ये सबसे बढ़िया, थोड़ा ठंडा रहता है ये हाँ वहां से। अच्छी हवाएं ठंडी चल रही है। चलो इधर है, चलो
व्यूइंग में क्या करते हैं यहाँ? हम आए आइजोल की फ्रूट मंडी में, फ्रूट मंडी नहीं ऐसे ही लगा रखी थी एक गली में, तो तकरीबन यहाँ की चीज़ें नहीं है, ये सारी ही बाहर से चीज़ें आई हुई है। आम की भी बुरी हालत हो रखी है, यहाँ पहुँचते पहुँचते ये ड्रैगन फ्रूट होता है और ये सेब है, सेब भी बाहर का है, ये लोकल है, ये ड्रैगन फ्रूट बता रहे हैं, ये बाकी सारा फ्रूट बाहर से ही आया हुआ है, अभी भी ड्रैगन फ्रूट खाली फूल आ रखा है, वो फ्रूट बना नहीं है। ये लिया हमने, दिखाई ये था ये वाला लिया हमने, जिसको पता नहीं हमने शादियों में खाया, एक छोटी सी गिलासी में कुछ और डाल के इसको डालते होते हैं, दाने से हैं इसके बीच में, ये ऐसा है, ये ऐसे पुटली बांध के रखते कि ये यहाँ का लोकल है, बाकी सब बाहर का। और क्या ले रहे हैं हम, फ्रूट तो अच्छा है सभी, और ये इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती हैं, ये देखिए ये कहाँ की है इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती, म्यांमार की। अच्छा, और सेब कहाँ का है? अच्छा, म्यांमार से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जूस वूस ये वो। और ये देखने के बाद और ये लेने के बाद हम चल पड़े हैं आइजोल की गलियों में तपड़ी मारने। तो काफी पुराना सिटी है, इस तरफ आ जाओ। हाँ, इस सड़क में मत चलो। फिर एक और हम गली में घुस गए और गली में नीचे उतर गए और दूसरी वो जो रोड घूम के आती है उसमें नीचे पहुंच गए, नहीं फिसलोगे। कपड़े की मार्केट है यहाँ, ये लो आजा, घिस रखी है सीढ़ियाँ, चलो चलो मैं पकड़ बना रखी हूँ। जैकेट देने सुंदर सुंदर यहाँ भी तो है। और जगह कम होने की वजह से स्कूटर पार्किंग ऐसे रोड के साइड में बना रखी है, तो जो भी मार्केट में आता है वो अपना स्कूटर पार्क करके और शॉपिंग कर सकता है, और साथ में ये फुटपाथ बना रखी है तो पैदल चलने वाले इस पे चलो। और फिर शिवम तो घुस गया बुक शॉप में, कोई ना कोई बुक लेगा पापा को चाहिए। हाँ, तो बुक्स लेंगे और आगे बुक्स की दुकान। ट्रेडिशनल जब इनके फंक्शन होते हैं तो पहनते हैं, जैसे कि इसको पहना रखा है, और ये बहुत कॉस्टली है, तकरीबन एक ड्रेस 10,000 के लगभग बता रहे हैं, जिसमें एक छोटा स्टोल है ऊपर और नीचे, इस तरह की ड्रेस है, सिल्क और कॉटन मिक्स है ये, लेकिन जो कढ़ाई है वो बहुत प्यारी है इनकी, सो ब्यूटीफुल। ये पर्स हैं यहाँ के लोकल, और ये नेट हैं, और ये भी पर्स हैं जो 400 के ये दे रहे हैं, ये वाले। क्या ये रेट ठीक है यहाँ के लोग, अगर पता हो किसी को तो। अभी चलते हैं हम आगे, बस सर्वे करते हैं, हमारे इस तरह की चीज़ें उस तरफ नहीं चलती हैं, तो ले
यहाँ से आइजोल शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। ये देखिए पूरा आइजोल शहर दिखाई दे रहा है। ये हम एक चर्च की छत पर हैं। ये चर्च है, काफी बड़ी चर्च है। देखिए ये घर की छत पर बच्चे खेल रहे हैं, फूल पौधे लगा रखे हैं सबने। मौसम बहुत प्यारा है, हल्की धूप है, ठंडी हवा चल रही है और हर घर की छत पर या अपने घर के आंगन में ड्रैगन फ्रूट यहाँ बहुत होता है तो ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं। ये देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, ये वाले इसमें थर्माकोल के डिब्बों में और बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। चर्च में भी मैं देख रही थी, पानी की टैंकी के पास वहाँ भी है और फ्रूट भी लगा हुआ है। फ्रूट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कहाँ पर गिर गई बिजली, बादल कहाँ है। अच्छा ये अभी थोड़ा इधर मैं घूमती हूँ। ये है, ये फूल है आगे और फूल के पीछे ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा मैं और ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ आगे वो फूल सूख गया है और उसके पीछे ड्रैगन फ्रूट है। ये यहाँ बहुत होता है और फूल नए भी निकल रहे हैं। ये लाल लाल छोटा सा फूल निकलता है और वही फिर फ्रूट बन जाता है। और एक छोटे से गमले में ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये मैंने भी अपने वहाँ लगा रखा है, देखती हूँ ये कितने साल का पौधा है, पता नहीं है।